गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम, जहाँ पर मेजर लीग सॉकर का मैच हो रहा है कोलंबस क्रू वर्सेस इंटर मियामी के बीच 5:30 बजे सुबह। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो कोलंबस क्रू एंड इंटर मियामी में डबल साइड फेवर चलेगा। मियामी ने आखिरी 3 मैच में 5 गोल किए हैं, 1, 2 और 2, मतलब इस हिसाब से आखिरी 3 मैच में, और तीनों में से तीनों मैच जीती नहीं है ना हारी है, तीनों मैच ड्रॉ थे। इसलिए मियामी का जो रेशियो है हार जीत का वो बहुत बराबर चल रहा है, उल्टा इनके ड्रॉ बहुत हो रहे हैं मैच, तो हार जीत की तो बात इनकी नहीं है। बाकी कोलंबस क्रू अच्छा कर रही है, अभी पीछे खाली लीग्स कप का एक मैच हुआ था जिसमें कोलंबस क्रू ने उससे पहले जितने भी मेजर लीग सॉकर के मैच हुए थे उसमें बहुत गोल किए हैं, कभी 4-1 मैच में गोल, कभी 3-1 मैच में गोल, तो मज़ा आ रहा है कोलंबस क्रू का यहाँ पर गोल रेशियो देख के। तो एक बराबरी की टक्कर है, विनिंग चांसेस मियामी की 60% इसलिए हो सकती है क्योंकि उधर मेस्सी है, बाकी 40% तो भाई कोलंबस क्रू के भी चांस है। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में लियोनल मेस्सी के साथ जाऊँगा, और लियोनल मेस्सी जो प्लेयर है गाइस वो तो आप जानते हो, मतलब मेरी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा मेरे से ज़्यादा ही जानते होगे इसके बारे में क्योंकि इस जैसा प्लेयर बनते नहीं है भाई। लियोनल मेस्सी इज़ अ ग्रेट प्लेयर, मतलब मैं जितना बड़ा फ़ैन रोनाल्डो का हूँ उतना ही बड़ा मेस्सी का, कोई इसमें वो नहीं करता मैं कि ये अच्छा वो अच्छा, सारे बराबर। उसके बाद एल सोरेस की बात करें तो सोरेस तो अच्छा करेगा ही, मैंने आपको बोला था मेस्सी और सोरेस की बहुत बनती है जब ये नए आए थे दोनों, और बीच में आपको लग रहा है ना कि ये 1332 पॉइंट्स है, लोग पॉइंट्स के ऊपर टीम बनाते हैं, तो आप गलत करते हो भाई। मेस्सी ने 6-7 मैच खेले भी नहीं तब भी, और बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पर रहेगा मामला, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप पॉइंट सेक्शन देख के कैप्टन वाइस कैप्टन मत रखो, मैं आपको कह रहा हूँ मेस्सी को ही रखना है और मेस्सी को ही सब रखेंगे, गलती मत कर देना अपना रिस्क लेने के चक्कर में। उसके बाद डी रॉसी तो प्रदर्शन अच्छा कर ही रहा है, लेकिन सी हर्नांडिस की वापसी होने वाली है, सो हो सकता है हर्नांडिस आपको दिखे, तो मैं आपको रॉसी की जगह हर्नांडिस प्रेफर करता हूँ। उसके बाद अगर मिडफील्डिंग की बात करें तो ऐसा है कि मैं डी गोमेज़ के साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम में सर्जियो बेस्कोट्स को नहीं लेता, पिछले मैच में भी जो 52 पॉइंट दिए थे उसमें इस बंदे की ठीक है, थैंक यू है, इसने इंस्क्रिप्शन किए, टैकल किए टीम के लिए, लेकिन मेरी तरफ से हर बार ये ऐसा नहीं खेल पाएगा क्योंकि गोमेज़ इज़ मेन प्लेयर। उसके बाद आर टेलर खेला नहीं, डी रूइस खेल नहीं रहा, ग्रेसल चल नहीं रहा, तो बंदे वही हैं भाई, मैं नीचे से मतलब क्यों लूँ जबरदस्ती प्लेयर जब कुछ चल ही नहीं रहा, तो मैं तो सही बात है तो इन दोनों में से ही बनते हैं, लोग दोनों को लेके आ रहे हैं बट मैं एक को ले रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखिए मैक्स को सब लेते हैं, मैक्स एरफिस्टन सबको पता है कि पहले इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, उसका गोल रेशियो कम है, उसके असिस्ट रेशियो कम है, लेकिन सब लोग एक साथ इस बंदे को इसलिए लेते हैं कि गोल कर भी दे तो आपको फ़ायदा ना मिले, और अगर ये इसको रेड कार्ड भी मिल जाए ना गेम चालू होती तब भी आपका नुकसान नहीं, क्योंकि एरफिस्टन एक मेन पिक है। उसके बाद अगर आपने रिस्क लेना तो ये भी आप इस पर ले सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवंश ये प्लेइंग 11 में आता नहीं है, इसलिए मेरे को ना हर बार यहाँ पर जेवेट्सकी को लेना पड़ता है, मतलब मेरे पास भी ऑप्शन नहीं भाई, मैं भी फंसा हूँ क्या करें। डिफेंडिंग सेक्शन में जॉर्डी आल्बा द मेन प्लेयर, और जॉर्डी आल्बा के बाद इनका एक प्लेयर है फ्रियर, तो ये तो देखो भाई इंजर्ड है बहुत लंबे समय से, तो यहाँ पर एवाइल्स को लो, एवाइल्स के बाद विगेंटी की हम बात कर रहे थे ना लास्ट मैच में, तो विगेंटी फिट हो गया भाई 29 सितंबर को, मेरे को श्योर नहीं था, मैंने वीडियो में भी बोला था, बट अब तो पूरा श्योर है कि ये फिट है। उसके बाद पिछले मैच में ना इनके ये तो खेले ही थे, लेकिन इनका जो थर्ड डिफेंडर था वो कोई भी नहीं खेला था, तो आज कौन खेलेगा इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्रे के भी चांस बहुत कम है एंड एलन के चांस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और एस क्रिस्टोफ का तो चलो अभी पता ही नहीं चल पा रहा। सो अभी आप जो आपका 11वां प्लेयर है वो आप सुबह करना डिसाइड, अभी के लिए आप ना बैस्कोट्स को सेव कर लो, सुबह आप डिसाइड कर लेना कि कौन खेल रहा है एंड आप उस डिफेंडर को पिक कर सकते हो इंटर मियामी के। गोलकीपिंग सेक्शन में पी एस्कल्ट को लूँगा, और पी एस्कल्ट आज शायद दिख जाए क्योंकि थोड़ी सी इंजरी थी, इतनी बड़ी तो नहीं थी। एंड बात करें कैप्टन की, कप्तान है मेरा मेस्सी, वाइस कप्तान लोगों ने पता नहीं बैस्कोट्स को मैं इसको क्यों रखा जबकि सोरेस ही बनता है, मैंने आपको बोला सोरेस और इनकी बहुत जमती है, एक साथ बार्सिलोना में खेलते थे, बहुत साल खेले, उसके बाद यहाँ पर आ गए, बीच में थोड़ा इधर उधर हुए थे लेकिन फिर भी दोस्त तो मिल ही गए। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।